मधुमक्खियों ने एक बहुत ही खूबसूरत छत्ता बनाया था, लेकिन यह एक मधुमक्खी कुछ भी काम न करके बस शहद ही खाती रहती है। अब रानी आकर उसको डांटती है और कहती है कि यह सारा शहद अपनी जगह पर शाम तक लग जाना चाहिए, लेकिन यह मधुमक्खी बहुत आलसी थी, पर फिर भी उसको मन मार कर काम करने आना ही पड़ता है। वह पूरे शहद से एक बॉल बनाती है, लेकिन बॉल बार बार टूट रही थी। उसके हाथ से शहद रानी मधुमक्खी के मुंह पर जाकर गिरता है। रानी और ज्यादा नाराज हो जाती है। फिर वह थोड़ी सी धूल लेकर अपने मुंह से पूरा शहद हटाती है और कहती है कि काम पूरा हो जाना चाहिए, और वहां से चली जाती है। यह मधुमक्खी शहद को लगाने की कोशिश करती है, पर शहद बार बार फिसले जा रहा था। मधुमक्खी को गुस्सा आने लगता है। तभी वह कुछ सोचती है और शहद को लकड़ी की सहायता से बहने से रोकने लगती है, लेकिन शहद फिर भी गिर जाती है। अब लकड़ी में शहद लगा हुआ था। मधुमक्खी शहद लेकर उड़ती है तो शहद सूख जाता है। फिर मधुमक्खी कुछ सोचती है और अपने पंखों से पूरा शहद सूखा देती है और पूरे शहद को एक ही जगह लगा देती है। शहद हीरे की तरह चमक रहा था। फिर रानी आती है। रानी मधुमक्खी का काम देखकर बहुत खुश होती है। मधुमक्खी भी बहुत खुश होती है।